हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रीट एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने इसमें साइकोलॉजी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने पार्ट 19 कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट हमारी क्लास थी सिगमंड फ्रायड की थ्योरी। अब हम सिगमंड फ्रायड के महत्वपूर्ण कथन पढ़ेंगे, जो अधिकतर आप एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा। ये डायरेक्ट टर्म्स पूछ ली गई हैं और इनका मीनिंग पूछा गया है, ठीक है। चार ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से आपको करेक्ट मीनिंग आपको टिक करना होता है। स्टूडेंट्स, आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्लीज़ आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक, आपका शेयर करना मुझे एक मोटिवेशन प्रदान करता है, ठीक है। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कार्य करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 20। सिगमंड फ्रायड के महत्वपूर्ण कथन क्या क्या है, उन्होंने कौन कौन सी टर्म्स दी है। देखिए, फर्स्ट वर्ड है नासिज्म। नासिज्म का मीन्स होता है स्वमोह भावना या आत्म प्रेम की भावना। स्वमोह, खुद के साथ प्रेम, मुझे खुद को अपने को आईने में देख करके किशोरावस्था में, और ये हर एक बच्चे ने, हर एक लड़का हो लड़की हो, अपने लाइफ में, अपनी एज में, किशोरावस्था में उन्होंने किया है कि अपने आप से मोह होता है। हम चाहते हैं कि अपने आप को ज़्यादा दूसरों के सामने अच्छे से अच्छा दिखने की कोशिश। आत्म प्रेम, अपने आप से प्रेम की भावना। जैसे देखिए, किशोरावस्था में बालक या बालिका द्वारा स्वयं को बार बार दर्पण में देखना कि मैं अच्छी लग रही हूँ, अच्छी दिख रही हूँ, अपने आप को पूरा सेट करके रहना, वो नार्सिसिज्म होता है। सेकंड टर्म्स है लिबिडो। लिबिडो क्या होता है? लैंगिक ऊर्जा, ठीक है, एक तरीके की कामुकता की भावना। ये इन्होंने इसको, कामुकता की भावना को एक वर्ड दिया, लिबिडो। नेक्स्ट है व्यय संधि काल। क्या होता है व्यय संधि काल? बाल्यावस्था का तो एंड, ठीक है, मतलब 12 साल तक, 6 से 12 साल तक की जो बाल्यावस्था बताइए उसका अंत, और किशोरावस्था 12 साल के बाद, जो 12 ईयर कंप्लीट होने के बाद जो एज होती है 12 से 19 तक की किशोरावस्था का, 13 से 19 वर्ष की जो किशोरावस्था का प्रारंभ। यहाँ पे तो देखिए 6 से 12 तक ये अंत हो जाता है इसका, 12 साल, और ये 13 से 19 वर्ष, 13 साल स्टार्टिंग और 19 वर्ष एंडिंग। तो जो मतलब प्रारंभ का टाइम पीरियड है 13 वर्ष, आया समझ में, बाल्यावस्था का अंत और किशोरावस्था का प्रारंभ। इसमें क्या होता है, बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में जो भी परिवर्तन होते हैं, ठीक है, फिजिकली चेंज, हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि शारीरिक विकास, जो जो परिवर्तन होते हैं वो व्यय संधि काल होता है। इसका टाइम पीरियड कब होता है? बाल्यावस्था का तो अंत, मतलब 12 साल का एंडिंग, और किशोरावस्था का स्टार्टिंग, प्रारंभ, मतलब 13 साल का स्टार्टिंग। इन दोनों के बीच, 12 से 13 साल के बीच में जो भी शारीरिक बदलाव होते हैं वो क्या होते हैं? व्यय संधि काल कहा जाता है। तो तीन वर्ड, नार्सिसिज्म जिसमें आत्म प्रेम की भावना, स्वयंमोह, लिबिडो कामुकता की भावना, और व्यय संधि काल बाल्यावस्था के अंत और किशोरावस्था के प्रारंभ का जो टाइम पीरियड होता है, जिसमें जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं बालक बालिकाओं में, वो व्यय संधि काल कहलाता है। नेक्स्ट है ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि क्या होती है? शेषावस्था का अंत, मतलब 5वें वर्ष के अंत में, या कईयों ने माना है, कई मनोविज्ञान ने 0 से जन्म से 2 वर्ष का अंत, ठीक है, वह बाल्यावस्था के प्रारंभ में, आया समझ में, शेषावस्था का तो अंत और बाल्यावस्था का स्टार्टिंग होना, चालू होना का प्रारंभ के मध्य, इस बीच में जो टाइम पीरियड होता है, मैं बालकों में अपनी माँ के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करता है। बच्चों का, लड़कों का क्या होता है, अपनी माँ के प्रति जो प्रेम, जो भाव, श्रद्धा का भाव जो उठता है, वो कौन सी ग्रंथि से उठता है? ओडिपस ग्रंथि से। कब? शिशुअवस्था का अंत और बाल्यावस्था के प्रारंभ का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब आप मानिए, अगर आप शिशुअवस्था को 0 से 2 वर्ष का, 2 वर्ष के एंड में लास्ट, और 3 वर्ष के जो स्टार्टिंग होने लग जाता है 3, 4, 5 साल की एज में,
ठीक है, 6 साल की एज, ये जो 2-3 साल के बीच में वो टाइम पीरियड इलेक्ट्रा ऑडिपस ग्रंथि होती है, जिसमें मतलब अपना लड़का क्या करते हैं, लड़के क्या करते हैं, अपनी माँ के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट होता है। और इलेक्ट्रा ग्रंथि शैशवावस्था का अंत और बाल्यावस्था के मध्य के जो टाइम पीरियड में लड़कियों में, बालिकाओं में क्या होता है, अपने पिता के प्रति प्रेम, अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट होती है। कौन सी ग्रंथि से? इलेक्ट्रा ग्रंथि से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और अधिकतर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है। अब मूल प्रवृत्तियाँ, सिगमंड फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियाँ बताई, एक जीवन मूलक प्रवृत्ति और एक मृत्यु मूलक प्रवृत्ति। जीवन मूलक प्रवृत्ति रचनात्मक कार्य करवाती है, हमें अलग अलग रचनात्मक सृजनात्मक कार्य करती है, जीवन में जीने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कराती है। लेकिन मृत्यु मूलक प्रवृत्ति विनाशात्मक कार्य करा देती है, हर चीज़ में हम गलत नेगेटिव रूप देखते हैं, गलत रास्ते की ओर ले जाती है। तो मृत्यु मूलक प्रवृत्ति क्या होती है? विनाशात्मक कार्य, और जीवन मूलक प्रवृत्ति रचनात्मक कार्य। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हमारी नेक्स्ट क्लास सिगमंड फ्रायड की थ्योरी है लैंगिक मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम उसी की लेंगे। थैंक यू।